अगेन वेलकम ऑल इन द आवर डिजिटल क्लास ऑफ सद्भावना पब्लिक स्कूल बड़े भंडार. वी लर्न इंग्लिश कोर्स बुक ऑफ क्लास थर्ड लेसन 7 एडवर्ब. सो नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक एडवर्ब. एडवर्ब को जो है हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. उसका डेफिनेशन ये होता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. यहाँ पर देखिए, हम एडवर्ब जो है उस शब्द को कहते हैं जो कि मॉडिफाई कर देता है, जो कि संशोधित कर देता है किसी वर्ब को, किसी क्रिया को, किसी एडजेक्टिव को, या किसी विशेषण को, या दूसरे एडवर्ब को, या उस सेंटेंस में उपयोग हुए दूसरे एडवर्ब, किसी दूसरे एडवर्ब को जो है संशोधित कर देता है, उसे जो है हम एडवर्ब कहते हैं. अर्थात एडवर्ब जो है हम उस शब्द को कहते हैं जो किसी क्रिया को या किसी विशेषण को या किसी अन्य क्रिया विशेषण को संशोधित कर देता है. आगे देखते हैं एग्जांपल में एडवर्ब कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई जो है एडवर्ब जो है, कोई जो क्रिया विशेषण जो है किसी वर्ब को कैसे मॉडिफाई कर देता है. यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल में ही स्पीक सॉफ्टली है ना. यहाँ पर क्या है, ही स्पीक सॉफ्टली. ही स्पीक वह जो है बोलता है ना. ही स्पीक कहने का मतलब ये होता है वह जो है बोलता है. लेकिन ये जो है सॉफ्टली डाल देने से क्या होता है, ये जो स्पीक है जो बोलता है वो जो है संशोधित हो जाता है और हो जाता है ही स्पीक सॉफ्टली करने से वो जो है बहुत धीरे बोलता है. वह जो है धीरे बोलता है, सॉफ्टली मीन्स हो जाएगा धीरे. ही स्पीक सॉफ्टली मीन्स वह जो है धीरे बोलता है. दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, माई सिस्टर सॉन्ग ए सॉन्ग ब्यूटीफुली है ना. माई सिस्टर सॉन्ग ए सॉन्ग सॉन्ग ए सॉन्ग ब्यूटीफुली. इसका जो है अगर हम माई सिस्टर सॉन्ग ए सॉन्ग, यहाँ पर ये देखेंगे कि मेरी बहन ने गाना गाया है ना. यहाँ पर इसका हिंदी होगा मेरी बहन ने गाना गाया. बट लेकिन वहाँ पर ब्यूटीफुली वर्ड जो है जोड़ देने से, एक एडवर्ब जो है लगा देने से, ये जो है वो जो गाना गाती है ना, उसको जो गाना गाती है ना, गाना जो गाना है उसको जो है संशोधित कर देता है और बोल हो जाएगा मेरी बहन ने खूबसूरती से गाना गाया है ना. जो सामान्य गाना जो गा रही थी अब जो है वह जो है हो गया खूबसूरती से गाना गा रही है. तो ब्यूटीफुली जो है एक एडवर्ब है जो कि इस सिंग या का जो सेकेंड फॉर्म होता है सॉन्ग, सॉन्ग को जो है मॉडिफाई कर दिया है ना. अब आगे देखते हैं थर्ड एग्जांपल में, द चाइल्ड स्लेप्ट पीसफुली. द चाइल्ड स्लेप पीसफुली. यहाँ पर देखिए द चाइल्ड स्लेप है ना. द चाइल्ड स्लीप बोलने का अर्थ यह होता है कि बच्चा सो गया है ना, बच्चा सो गया. लेकिन यहाँ पर पीसफुली ऐड कर देने से ये जो सोया है वो जो है थोड़ा संशोधित हो जाता है और द चाइल्ड स्लेप पीसफुली का अर्थ हो जाता है बच्चा जो है शांति से सो गया, बच्चा शांति से सो गया. आगे एग्जांपल में देखते हैं, ही स्पीक प्रॉपरली. ही स्पीक प्रॉपरली. ही स्पीक कहने का अर्थ होता है वह जो है बोलता है. लेकिन वहाँ पर प्रॉपरली ऐड कर देने से क्या हो जाएगा, वो जो सामान्य बोलता था अब जो है क्या हो जाएगा, ठीक से बोलता है. वह जो है ठीक से बोलता है, जो कि प्रॉपरली वर्ड जो है स्पीक को जो है मॉडिफाई कर दिया. जो सामान्य बोल रहा था अब क्या है वो जो है ठीक से बोल रहा है. लास्ट एग्जांपल देखते हैं, द दे लिव हैप्पीली है. दे लिव कहने का अर्थ है वो जो है रहते हैं, वे रहते हैं. दे मीन्स वे, लिव मीन्स रहते हैं. तो दे लिव कहने से वे जो है रहते हैं.
लेकिन उसमें हैप्पीली जोड़ देने से हो जाएगा, वे खुशी से रहते हैं। जो सामान्य रह रहे थे उसको जो है संशोधित कर दिया हैप्पीली वर्ड, और क्या कर दिया उसके, खुशी से रहते हैं, वे जो है खुशी से रहते हैं। इस तरह से हमने देखे कि जो है एक एडवर्ब जो है सॉफ्टली, ब्यूटीफुली, पीसफुली, प्रॉपरली और हैप्पीली जो है वर्ब को जो है, जो क्रिया है उसको जो है संशोधित कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो एडवर्ब होते हैं वो जो है किसी वर्ब को मॉडिफाई कर देते हैं। अगले एग्जांपल में देखते हैं कि कोई एडवर्ब जो है किसी एग्जेक्टिव को जो है कैसे संशोधित करता है, किसी एग्जेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है। इन एग्जांपल के माध्यम से हम देखेंगे। द क्वेश्चन पेपर इज वेरी थॉट, द क्वेश्चन पेपर इज वेरी थॉट, है ना। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर कैसे है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। थाउ मीन्स क्या होगा, थॉट मीन्स होता है मुश्किल। तो क्या है, क्वेश्चन पेपर तो पहले क्या था, क्वेश्चन पेपर की विशेषता यह था कि वो जो है मुश्किल था, लेकिन वहाँ पर वेरी जो है एडवर्ब एड हो जाने से क्या हो जाए, हो गया जो मुश्किल था उसको जो है वो थोड़ा संशोधित हो गया, वो जो है मॉडिफाई हो गया और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन गया। तो इससे क्या क्या हो गया, क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, जो कि जो मुश्किल शब्द है वो जो है क्वेश्चन पेपर की विशेषता बता रही है, और ये जो वेरी जो है उस विशेषता को जो है उस एडजेक्टिव को जो है मॉडिफाई कर दिया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर देता है। दूसरे एग्जांपल देखते हैं, माई डॉल इज सो प्रेटी। यहाँ पर देखिए माई डॉल इज प्रेटी कहने से क्या हो जाएगा, मेरी डॉल की जो विशेषता है, मेरी गुड़िया की विशेषता यह है कि वह जो है सुंदर है। यहाँ पर सो प्रेटी कर देने से क्या हो जाएगी, उस जो विशेषता है उसमें जो है जो प्रेटी है, जो सुंदर है, उसमें संशोधित हो जाएगा और हो जाएगा बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर क्या है, जो मेरी गुड़िया थी वो केवल सुंदर थी, तो अब क्या होगी, मेरी गुड़िया जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन गई। तो यहाँ पर जो प्रेटी एडजेक्टिव है उसको जो है एडवर्ब सो जो है मॉडिफाई कर दिया। इसलिए यहाँ पर हम ये भी यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो एडवर्ब जो है एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देता है। यू आर टू केयरलेस, तुम जो है केयरलेस हो, है ना। केयरलेस मीन्स लापरवाह, केयर मीन्स लेस मीन्स होता है लापरवाह। यू आर केयरलेस करने का मतलब ये होता है तुम जो है लापरवाह है। तुम्हारी विशेषता क्या है, तुम्हारी विशेषता यह है कि तुम जो है लापरवाह हो, लापरवाह करना जो है तुम्हारी विशेषता है। तो केयरलेस क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के सामने जो है एक वर्ड जो है टू, जो कि एक एडवर्ब है, लग जाने से क्या हो गया, जो यहाँ पर क्या था, तुम लापरवाह थे, अब क्या हो जाएगा, ये जो है तुम लापरवाह हो जो है वो हो जाएगा तुम बहुत लापरवाह हो। एक वर्ड के जो डाल देने से क्या है, जो सामान्य लापरवाह था वो बहुत लापरवाह हो गया। इससे जो है ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव क्या है, मॉडिफाई हो गया। अगला एग्जांपल में देखते हैं, दिस मैंगो आर ऑलमोस्ट रेप, दिस मैंगो आर ऑलमोस्ट राइप। राइप मीन्स होता है पका होना, है ना, पकना। तो ये आम जो है कैसे है, वो जो है पका हुआ है, है ना। यहाँ पर क्या है, आम जो है पका हुआ है। तो इसमें जो है एडवर्ब ऑलमोस्ट डाल देने से क्या हो गया, ऑलमोस्ट का अर्थ होता है लगभग, ऑलमोस्ट मोस्ट को जो है हम हिंदी में लगभग बोल देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आम पका हुआ है वो क्या हुआ, ऑलमोस्ट डालने से आम जो है लगभग पका हुआ है, आम लगभग पका हुआ है। इससे जो है ये जो राइप जो है
एक एडजेक्टिव है उसको जो है मॉडिफाई कर दिया ऑलमोस्ट, और यहाँ पर जो सेंटेंस का जो है अर्थ ही पूरा बदल गया, सेंटेंस जो है पूरी ही तरह से संशोधित हो गई। तो हम कह सकते हैं कि वेरी, शो और टू और ऑलमोस्ट ये वर्ड जो है इन सेंटेंस को जो है पूरे मॉडिफाई कर दिए, जो कि एक एडजेक्ट इसके जो विशेषता है उनके विशेषता को बदल दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एडवर्ब है वो एडवर्ब किसी सेंटेंस के जो है किसी सेंटेंस के जो है एडजेक्टिव को जो है मॉडिफाई कर देता है। अगला देखते हैं हम जो है कोई एडवर्ब जो है किसी दूसरे एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल में आप देखेंगे ही स्पीक टू सॉफ्टली, वह है ना ही स्पीक टू सॉफ्टली। यहाँ पर सॉफ्टली जो है एक एडवर्ब ही है ना, उस एडवर्ब के सामने में टू लग जाने से क्या हो गया, पहले जो है था ही स्पीक सॉफ्टली को जो है हम हिंदी में ये कहेंगे वह जो है धीरे बोलता है, वह जो है धीरे बोलता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, टू ना डाल देने से इसका हिंदी हो जाएगा ही स्पीक टू सॉफ्टली, वो जो है बहुत धीरे बोलता है। वो जो है जो धीरे बोलता था वो जो है जो एडवर्ब है एडवर्ब को परिवर्तित करके ये बन गया कि बहुत धीरे, जो धीरे था वो बहुत धीरे हो गया। तो टू सॉफ्टली को बोल देने से वह जो है बहुत धीरे बोलता है। दे वॉक वेरी स्लोली, वो जो है चलते हैं है ना, कैसे चलते हैं, स्लोली चलते हैं है ना। और वहाँ पर एक और एडवर्ब ऐड हो जाने से वेरी स्लोली हो गया, वो जो है बहुत धीरे धीरे चलता है। पहले क्या था, वो जो है धीरे चलता था, अब जो है बहुत धीरे धीरे चले वे। दे वॉक स्लोली बोलने से होता है वे धीरे चले, अब दे वॉक वेरी स्लोली बोलने से हो जाएगा वो बहुत धीरे धीरे चले। तो यहाँ पर भी जो स्लोली एडवर्ब है उसको जो है वेरी एडवर्ब जो है मॉडिफाई कर दिया है। अगला सेंटेंस में देखते हैं वी ड्रॉ मच केयरफुल वी ड्रॉ मच केयरफुली है ना। यहाँ पर देखते हैं इसका जो अर्थ है आई ड्रॉप केयरफुली को जो है हम बोलेंगे मैं ध्यान से देखा है ना। आई ड्रॉप केयरफुली का अर्थ होगा मैं ध्यान से देखा, लेकिन मच केयरफुली करने से बहुत ही ध्यान से देखा है ना, बहुत ही ध्यान से देखा। क्योंकि खाली केयरफुली था ध्यान से था, अब मच केयरफुली बोलने से बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हो गया। और आई ड्रॉप मच केयरफुली का हिंदी अर्थ हो जाएगा मैं बहुत ध्यान से देखा। अगला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं वी मूव आउट रेदर क्विकली है ना। वी मूव आउट हम बाहर निकले क्विकली जो एडवर्ब डाल देते हैं तो हो जाएगा हम जो है बहुत हम जो है जल्दी से निकले है ना। हम जो है वी मूव क्विकली करने से हो जाएगा वी मूव क्विकली बोलने से हो जाएगा हम जल्दी से बाहर निकले, लेकिन यहाँ पर रेदर क्विकली कर देने से हम थोड़े से जल्दी बाहर चले गए। वी मूव आउट क्विकली वी मूव आउट क्विकली का अर्थ हिंदी होगा हम जल्दी से बाहर चले गए। वी मूव आउट क्विकली हम जल्दी से बाहर चले गए। अब यहाँ पर रेदर जब डल गया वी मूव आउट रेदर क्विकली हम थोड़े से जल्दी बाहर चले गए है ना, हम जो है थोड़े से जल्दी बाहर चले गए। तो इसमें जो है ये पूरा सेंटेंस जो है मॉडिफाई हो जाता है, इसलिए यहाँ पर टू वेरी मच और रेदर जो है ये जो है एक एडवर्ब के को जो है मॉडिफाई कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं जो एडवर्ब होते हैं वो किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देते
है। तो यहाँ पर जो है हमने एडवर्ब को जो है थोड़ा पढ़ लिया। पेज नंबर 22 में देखेंगे, ये ऊपर में एक टेडी बियर का जो है एक छोटी सी पोयम जो दिया हुआ है, जो कि एडवर्ब का एग्जाम्पल ही है। माई टेडी बियर लुक सो लवली, विदाउट इट आई फील वेरी लोनली, आई टॉक टू इट रेगुलरली, आई हेल्प मी वेक अप अर्ली। ये जो है पोयम है, यहाँ पर देखेंगे ए माई टेडी बियर लुक सो लवली, है ना। मेरी जो टेडी बियर है वो जो है दिखती है, कैसे दिखती है, लवली, प्यारी दिखती है। विदाउट इट, इसके बिना, विदाउट इट का हिंदी होगा इसके बिना, आई फील वेरी लोनली, मैं फील करती हूँ, मैं जो है महसूस करती हूँ, कैसे महसूस करती हूँ, वेरी लोनली, लोनली का हिंदी होता है अकेला, इसके बिना जो है मैं अकेली फील करती हूँ। आई टॉक टू इट, मैं इससे बात करता हूँ, कब बात करता हूँ, रेगुलरली, है ना, रेगुलरली, हमेशा इससे बात करती हूँ, रेगुलरली मीन्स हमेशा। इट हेल्प मी वेक अप अर्ली, और इट हेल्प वो जो है मेरी मदद करती है, इट हेल्प मी वो मेरी मदद करती है वेक अप उठने में। वेक अप क्या है, उठने में, एक वर्ब है उसमें अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी से, अर्ली क्या है, एक एडवर्ब है। यहाँ पर लवली, लोनली, रेगुलरली और अर्ली जो है एक एडवर्ब है जो कि सेंटेंस में जो है सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं, है ना। पहले पहले सेंटेंस में देखिए, वो दिखती थी, लेकिन कैसे दिखती थी, खूबसूरत दिखती थी, संशोधित हो गया, है ना। मैं इसके बिना मैं महसूस करती हूँ, कैसे महसूस करती हूँ, अकेला महसूस करती हूँ, मैं इससे बातें करती हूँ, है ना, मैं मेरे टेडी बियर से बातें करती हूँ, लेकिन इसमें जो है रेगुलरली वो ऐड हो जाने से मैं हमेशा मेरी टेडी बियर से बात करती हूँ, है ना। इस तरह से जो है ये जो है जो एडवर्ब होते हैं वो जो है सेंटेंस को ही पूरा मॉडिफाई कर देते हैं। नीचे एक टेबल्स है, उस टेबल में दिया गया है एक सेंटेंस दिया हुआ है, और सेकंड साइड क्या है उसका जो एडवर्ब है उसको जो है फाइंड आउट किया गया है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में द बॉय रन स्लोली, तो इसमें जो वर्ड स्लोली है वो जो है एक एडवर्ब है, उसको जो है टेबल के दूसरे कॉलम में लिखा गया है। द डॉग बार्क लाउडली, कुत्ते भौंकते हैं, कैसे भौंकते हैं, लाउडली, जोर जोर से भौंकते हैं। तो ये जो लाउडली है, लाउडली क्या है एक एडवर्ब है। चाइल्ड क्राइस ब्रॉडली, है ना, बच्चे जो है रोते हैं, है ना, तो कैसे रोते हैं, रोना एक वर्ब है, और यहाँ पर जो है ब्रॉडली, ब्रॉडली जो है एक एडवर्ब है जो कि उसका रोने का रोना है उसको जो है मॉडिफाई कर देता है। ब्रॉडली का हिंदी होता है बुरी तरह से। अब क्या क्या था, बच्चे जो है रो रहे थे, लेकिन अब क्या है, बच्चे बुरी तरह से रो रहे हैं। इस तरह से एक टेबल है, इस टेबल को भी आप लोग अच्छे से पढ़िए। उसके बाद एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में जो है पहले जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है, अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच सेंटेंस। इसमें जो है पांच सेंटेंस दिए गए हैं, पांचों सेंटेंस में से जो एडवर्ब है उस एडवर्ब को जो है अंडरलाइन करना है। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब। यहाँ पर जो है पांच सेंटेंस दिए गए हैं, और सेंटेंस में जो है एक एक ब्लैंक्स है, उस ब्लैंक में जो है आपके अनुसार जो आपको सुटेबल लगे उसके हिसाब से आप जो है एडवर्ब जो है फिल करना है। अगला जो है मेक एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव। यहाँ पर जो है 10 जो है एडजेक्टिव दिए हुए हैं, एडजेक्टिव वर्ड दिए गए हैं, उसको जो है आपको जो है एडवर्ब में कन्वर्ट करना है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक एडजेक्टिव है सॉफ्ट, तो उसका जो एडवर्ब जो हो जाता है सॉफ्टली, दूसरा स्लो है स्लोली, ब्यूटीफुल है ब्यूटीफुली। इस तरह से जो है
आपको जो है एडजेक्टिव को जो है एडवर्ब बनाना है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, जब आपको होमवर्क दिया जाएगा उस समय जो है इसके जो है अच्छे अच्छे तरीके से आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।